हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या, चलिए जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन है कि एक बॉयलर का मेन स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण क्या है। यानी कि एक बॉयलर का मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 515 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, यानी कि उस बॉयलर का टेम्परेचर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 520 डिग्री भी हो सकता है और 510 डिग्री भी हो सकता है। ओके, तो इसका रेंज में वो रहना चाहिए। यदि वो टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज मोड में है, मैं इंक्रीज का बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर वो 530 डिग्री सेल्सियस या 540 डिग्री सेल्सियस अगर इतना रेंज में रह रहा है तो कारण क्या हो सकता है एक बॉयलर का ये मेन स्टीम टेम्परेचर हाई होने का। तो इसका तो बहुत सारे कारण है, तो इस कारण को आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक बॉयलर का मेन स्टीम टेम्परेचर हाई होने का कारण क्या है। आपको तो दो तीन ठो याद होगा कि उसका आंसर ये हो सकता है, आप बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे कारण कि किस किस कारण से एक मेन स्टीम टेम्परेचर बॉयलर का हायर साइड में रहता है उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से। अभी एक तो दोस्तों मैं मेन चीज़ बताने के लिए चाह रहा हूँ कि इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग उन वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते हैं। खाली शुरू शुरू में वीडियो को आप एक दो मिनट देखते हैं, फिर उसके बाद उसको स्किप कर देते हैं या उसको स्किप करके चले क्विट कर देते हैं। ओके, लेकिन जो मेन चीज़ है वो वीडियो में मैं आपको मिडिल में और अंत में बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इतना मेहनत करता हूँ वीडियो में, मैं वीडियो करके बनाता हूँ कि आप लोगों जान पाए, आप लोगों इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाए, लेकिन आप लोगों वीडियो को अंत तक पेशेंस के साथ नहीं देखते हैं। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे हर वीडियो में, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ओके, मैं मेरा फ़ायदे के लिए नहीं बोलता हूँ कि भाई आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो उस टाइप का मैं बनाता हूँ कि जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, जो आपका काम का लगे, जो आपका काम में लग पाए वो वीडियो, उस टाइप का वीडियो आपको बनाता हूँ। और जो भी क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू से, मतलब इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूँ। ओके, तो आप वीडियो को हर समय पेशेंस के साथ एंड तक देखते रहिए। यदि आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपको सिखाता नहीं है। ये यदि कोई एक प्रोफेशनल होगा पावर प्लांट का, उसको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ओके, तो यदि आप कुछ आगे बढ़ने चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ वो चीज़ गेन करने के लिए। ओके, तो बात ख़त्म करते हैं। तो आज हम लोगों क्या जानेंगे ना, ये टेम्परेचर कैसे राइज होता है, उसका क्या क्या कारण है, अभी हम लोगों जानेंगे। ओके, तो अभी नंबर वन में हम लोगों जानेंगे कि एक बॉयलर का मेन स्टीम टेम्परेचर उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होने का कारण क्या है। नंबर वन में होगा फेल्योर ऑफ अ टेम्परेटर, अ टेम्परेटर कंट्रोल वाल्व। क्या हो गया ना, एक बॉयलर का मेन स्ट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अ टेम्परेटर रहता है। कहाँ कहाँ पे सिंगल रहता है, कहाँ कहाँ पे डबल रहता है। जहाँ पे आपका सुपर हीटर 1, 2, 3 है, तो सुपर हीटर 1 आउटलेट, सुपर हीटर 2 आउटलेट में आपका अटेम्परेटर लगेगा।
और जहाँ जहाँ पे सुपर हीटर दो ठो है तो वहाँ पे एक सिंगल टेम्परेटर लगता है। तो टेम्परेटर आपका मेन स्ट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यदि उसका कंट्रोल वाल्व फेलोर हो गया तो मेन स्ट्रीम टेम्परेचर कंट्रोल हो नहीं पाएगा। ये हो गया नंबर वन कारण। चलिए अभी जानते हैं नंबर टू। नंबर टू में मोर बॉयलर लोड, इसका मतलब क्या है? यदि एक बॉयलर उसका जो MCR यानी कि मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग उससे यदि वो ज़्यादा लोड में ऑपरेट हो रहा है तो उसके कारण एक बॉयलर का मेन स्ट्रीम टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो मान लीजिए एक बॉयलर है जिसका कैपेसिटी है 160 TPH, यानी कि इसका मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग है 160 TPH। यदि ये बॉयलर आपका 170 या फिर 175 TPH में रनिंग होगा तो उसका जो मेन स्ट्रीम टेम्परेचर है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो ये नंबर टू में एक कारण हो सकता है क्या ना, मोर बॉयलर लोड, उसके कारण भी आपका मेन स्ट्रीम टेम्परेचर बढ़ सकता है। अभी हम लोग देखेंगे नंबर थ्री में क्या होगा ना, मोर हीट ट्रांसफर इन सुपर हीटर, इसको शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ वह सुपर हीटर, स्पेस कम होने के कारण सुपर हीटर, ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस, फ्लू गैस, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सुपर हीटर जून में फ्लू गैस का हाई वेलोसिटी होने के कारण क्या होगा ना, हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है। कैसे ना, एक फर्नेस में पहले आप लोगों जो बेड है, बेड में आपका फायरिंग होता है, फिर उसका बाद आपका स्क्रीन रहता है, स्क्रीन हेडर का बाद आपका सुपर हीटर 3, फिर सुपर हीटर 2, फिर सुपर हीटर 1, फिर इवापोरेटर, फिर उसका बाद इकोनोमाइजर, फिर एआरपी हीटर। तो जो फ्लू गैस का फ्लो पाथ रहता है ये इस टाइप का रहता है। तो पहले वो किसको टच करता है, जो स्क्रीन हो गया, जो यदि मैं एक CFBC बॉयलर का बात बोल रहा हूँ तो पहले उसका स्क्रीन का ट्यूब वो टच करता है, फिर उसका बाद आपका सुपर हीटर ट्यूब, और साथ में आपका जो भी वाटर वाल है उसको भी वो टच करता है फर्नेस में। तो यदि आप वेलोसिटी को बढ़ा देंगे फ्लू गैस का वेलोसिटी को कैसे आप इंक्रीज करेंगे, सोचिए कैसे बढ़ाते हैं हम लोगों। यदि आप आईडी फैन का सक्शन को ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि आप आईडी फैन का जो इनलेट है यदि उसका डैम्पर को ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा आपका मेंटेन होगा क्या, ड्राफ्ट। आप जितना ज़्यादा मेंटेन करेंगे उतना वेलोसिटी वो उतना खींचेगा एयर को, यानी कि फ्लू गैस को, तो ज़्यादा जो फ्लू गैस का वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा, हाँ कि नहीं। तो क्या होगा, तो जो रेसिडुअल जो टाइमिंग रहना चाहिए
जो हम लोग को ट्रिपल टी बोलते हैं, 3T, वो 3T जहाँ पे होना चाहिए, जो टाइम रहने के लिए चाहिए उस टाइम वहाँ पे नहीं रहता है। मान लीजिए अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड उस जून में रहना चाहिए, वो उस जून में क्या होता है, नहीं रह पाता है, तो वो हीट क्या होता है, वो कैरी पर होता है। जो आपका मान लीजिए अगर स्क्रीन हेडर में अगर आपका हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए या जो भी बेस में जो वाटर वाल है यदि उसमें होना चाहिए वो हो नहीं पाया, तो ये क्या होगा, सुपर हीटर जोन में होगा। तो इसीलिए क्या होगा ना, आपका हाई वेलोसिटी होने के कारण सुपर हीटर जोन में या सुपर हीटर में क्या होता है, मोर हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए आपका जो मेंसनिम टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो यदि आप देख रहे हैं कि मेंसनिम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और आप जितना भी प्रॉब्लम में इसमें बताऊंगा जिस जिस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप सब कुछ ट्राई कीजिएगा, फिर उसका बाद में देखेगा अगर फिर भी मेंसनिम टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा ना, जो आईडी फैन का सक्शन है उसको थोड़ा कमाएगा, यानी कि जो ड्राफ्ट है उसको कम मेंटेन कीजिएगा, कि आपका जो हीट जो ट्रांसफ़र होना चाहिए एक बॉयलर में हर जगह में वो प्रॉपरली हो पाए। ओके, आपका ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र सुपर हीटर जून में ना हो, तो उसको ट्राई करके आप देखिएगा तो आपका मेन स्टीम टेम्परेचर डाउन हो रहा है कि नहीं आपको पता चल पाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे नंबर 4 में क्या कारण हो सकता। तो नंबर 4 में क्या होगा, मोर फायरिंग रेट। ओके, यदि आप फायरिंग रेट ज़्यादा करेंगे, मतलब क्या है, मतलब ओवर फायर करेंगे, जितना फ्यूल देना चाहिए बॉयलर को यदि आप उससे एक्सेस अमाउंट देंगे, उस समय आपका मेन स्टीम टेम्परेचर उसका ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा भाग जाएगा। ये चीज़ आप देखे होंगे, तो इसके ऊपर मेरे को डिटेल्स में आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नंबर 4 में क्या है, मोर फायरिंग रेट। अभी हम लोग जानेंगे नंबर 5 में क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, और मैं भी जो भी चीज़ इसमें आपको बताता हूँ ना, ये पूरा आपका प्रैक्टिकल है, ये कुछ थ्योरी नहीं कि इधर उधर से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये वाला भी जो कारण बताऊँगा बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। क्या अब इसको चेक कीजिएगा, क्या है ना, लो फीड वाटर, वाह, लो फीड वाटर टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर इनलेट। ओके, तो इकोनोमाइजर का इनलेट में यदि फीड वाटर टेम्परेचर जितना रहना चाहिए यदि उससे कम, मान लीजिए जनरली एक बोल रहा हूँ 240 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, यदि हम लोगों हीटर फीटर लाइन में है, यानी कि एलपी हीटर एचपी हीटर यदि सर्विस में है, तो आपको 240 डिग्री सेल्सियस एक बॉयलर का इनलेट में, इकोनोमाइजर का इनलेट में मिल सकता है। यदि उससे कोई भी हीटर नहीं है, आउट है किसी भी कारण से, तो आपको मान लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस फीड वाटर का टेम्परेचर इकोनोमाइजर का इनलेट में इन हो रहा है, तो क्या होगा ना, उस कंडीशन में आपका जो मेंसनिम टेम्परेचर है बॉयलर का वो इंक्रीज होगा उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से। क्यों, क्योंकि उस समय आप बॉयलर में जितना नॉर्मल चाहिए उससे ज़्यादा आप फायरिंग करते होंगे, ये आप डेफिनेटली आपको पता होगा, क्योंकि ये चीज़ आप
करते हैं, जब भी मान लीजिए प्लांट में अगर कोई प्लांट ट्रिप हो गया है, ओके, और उस समय आप बॉयलर को, उस समय तो जनरली आपका हीटर आउट हो जाता है जब टरबाइन मान लीजिए ट्रिप हो गया, तो बॉयलर में जो फीड वाटर इन होता है उसका टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेटिंग में 240 रहना चाहिए, तो जब हीटर आउट हो गया है तो 180 डिग्री सेल्सियस में इन हो रहा है, तो उस समय आप डेफिनेटली ज़्यादा फ्यूल फायरिंग कर रहे होंगे। तो उस समय का जो मेनस्ट्रीम टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो नंबर फोर में मैं आपको बताया हूँ मोर फायरिंग रेट, उस समय आप फायरिंग रेट ज़्यादा करते होंगे। मान लीजिए अगर एक 160 TPS बॉयलर है, यदि उसमें आपका 35 या 40 TPS कोल अगर फायर हो रहा है, तो उस समय लगभग आपका 45 या 50 TPS, मतलब JCB का ऊपर डिपेंड करता है, तो उस समय लगभग ज़्यादा आपका जो फ्यूल फायरिंग रेट बढ़ जाता है। ओके, तो नंबर फाइव क्लियर हो गया कि एक बॉयलर में यदि इकोनोमाइजर इनलेट में लो फीड वाटर टेम्परेचर का फीड वाटर इन होगा, तो उसके कारण मेनस्ट्रीम टेम्परेचर उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। तो अभी हम लोग को जानेंगे नंबर सिक्स में क्या कारण हो सकता है, मोर एक्सेस एयर। तो एक बॉयलर का एक्सेस एयर को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ऑलरेडी इसका ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, यदि किसी को पता नहीं है तो जाके उस वीडियो को देख सकता है कि एक बॉयलर का एक्सेस एयर को आप कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मान लीजिए एक बॉयलर है जिस बॉयलर में आपका 10-15% एक्सेस एयर रहना चाहिए। ओके, यदि उस बॉयलर में आप 20-30% एक्सेस एयर रख रहे हैं, उसका डिजाइन है कि आप उसमें 10-15% एक्सेस एयर रख सकते हैं, यदि आप उससे भी ज़्यादा रख रहे हैं एक्सेस एयर 20-30%, तो उसके कारण में भी आपका जो बॉयलर का मेनस्ट्रीम टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये पॉइंट नंबर सिक्स में मोर एक्सेस या हो सकता है, जिसके कारण आपका मेनस्ट्रीम टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये जो एक्सेस एयर है ये भी उस टाइप का, जैसे मैं आपको बोला था कि एक वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गया, अब वेलोसिटी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, आइदर उसका इनलेट को बढ़ा के आईडी का, या फिर एक्सेस एयर यानी कि आप अगर आप PI या FD फैन जो भी है जो आप कम्बुशन एयर सप्लाई कर रहे हैं, यदि उसमें आप ज़्यादा अमाउंट का एयर को अगर आप सप्लाई करेंगे, तो एक टाइप का OB हो गया आपका फोर्स ड्राफ्ट, हाँ कि नहीं, जो कि ज़्यादा पुश करेगा। ज़्यादा पुश करने से आपका जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगा, किसका, फ्लू गैस का, हाँ कि नहीं, आप उसको फ्लू गैस को खींचे आईडी से या फिर FD या PA से आप उसको पुश करें, ये दोनों बात ही बराबर है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर ज़्यादा पुश करेंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये भी उस पॉइंट जो जिस पॉइंट में मैं आपको बताया था कि सुपर हीटर जोन में मोर हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यदि फ्लू गैस का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो, ओके, तो वही वाला जो चीज़ मैं बताया था वो यहीं पे ही लागू होता है। किस लिए होगा वो कारण मैं आपको बता दिया। ओके, अभी चलिए जानते हैं नंबर सेवन में मोर मॉइस्चर इन फ्यूल। यदि फ्यूल में आपका ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, ओके, तो उसके कारण भी आपका बॉयलर का मेनस्ट्रीम टेम्परेचर उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे
नंबर एट, नंबर एट में क्या कारण हो सकता है एक मेनस्ट्रीम टेम्परेचर बढ़ने का, बॉयलर का टेम्परेचर? ओके, लो ड्रम लेवल। यदि ड्रम लेवल, एक बॉयलर का ड्रम लेवल लो हुआ तो उसके कारण आपका जो मेन स्टीम टेम्परेचर है बॉयलर का वो बढ़ जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको आप करके देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम में आपको जितना भी प्रॉब्लम में आपको बताया कि किस किस कारण से हो सकता है, ये सब प्रैक्टिकल बेस है। इसको आप जब आप बॉयलर में चलाते हैं, एज ए आप अगर एक ऑपरेशन इंजीनियर है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नंबर नाइन में, नंबर नाइन में और क्या हो सकता है। नंबर नाइन में लीकेज, लीकेज ऑफ सुपर हीटर कॉयल या सुपर हीटर ट्यूब्स। यदि सुपर हीटर का ट्यूब कुछ लीकेज हुआ तो उसके कारण आपका जो मेन स्टीम टेम्परेचर है वो उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, सुपर हीटर टेम्परेचर, अगर सुपर हीटर कॉयल में कुछ लीकेज हुआ तो जितना फ्लो होना चाहिए उससे कम फ्लो होगा। तो कम अगर फ्लो हो रहा है तो अगर आप हीट, जितना अमाउंट का हीट देना था उतना अमाउंट का आप दे रहे हैं, लेकिन जितना मास फ्लो होना चाहिए उससे कम है, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर जो है राइज होगा। ओके, तो ये था ये जो नोट ऑफ पॉइंट नाइन, नोट ऑफ पॉइंट में आपको बताया मेन मेन पॉइंट कि ये सब कारण हो सकता है एक मेन स्टीम टेम्परेचर बॉयलर में बढ़ने का उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से। तो आप इसको चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग आपका नॉर्मल जब ऑपरेट करते हैं बॉयलर को, उस समय में ये पॉइंट को करके आप क्लैरिफाई भी हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, जो मैं चीज़ सुना था या जो मैं वीडियो में देखा था वो सही निकला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली एक बॉयलर मेन स्टीम टेम्परेचर, यदि उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।